ओके गाइस, कुछ इस टाइप का वीडियो आजकल इंस्टाग्राम रील को बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो आप भी कुछ इस टाइप का वीडियो क्रिएट कर दो, आपका वीडियो वायरल हो सकता है। तो आज की वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको एप्लीकेशन की नीड होगी जिसका नाम वी एन है। वी एन एप्लीकेशन फ्रीली प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो जाकर डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड करके आप सिंपली ओपन कर लेना। इंटरफेस होगा तो सिंपली नीचे देख सकते हो, प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वीडियो फोटो, तो आपको फोटो को क्लिक करके आपको सिंपली एक फ़ोटो को चूज़ कर लेना है। फोटो को चूज़ करने के बाद सिंपली ऊपर देख सकते हो ओरिजिनल, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद टिकटॉक का जो रेशियो है उसके ऊपर क्लिक करके आपको रेशियो को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, फिर इसको कुछ इस टाइप से इसका लेंथ को थोड़ा करीब आपको 10 सेकेंड तक ले आना है। करीब 10 सेकंड तक लगाने के बाद सिंपली आपको जो लास्ट का वाटर मार्क है उसके ऊपर क्लिक करके आपको वाटर मार्क को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद सिंपली आपको एक्सपोर्ट आइकन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको इस वाले वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो कुछ इस टाइप से आपको जो 0 से 100% आपको जो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और एक बार प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको न्यू फोटो के ऊपर जाना है, और उसके वाले वीडियो को आपको सिंपली सिलेक्ट करके आपको इम्पोर्ट कर देना है। इम्पोर्ट करने के बाद थोड़ा प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद ऑटोमेटिक आपको जो वी एन एप्लीकेशन के इंटरफेस के ऊपर आपको ऐड किया जाएगा। वीडियो को इम्पोर्ट करने के बाद सिंपली आपको टैप टू ऐड म्यूजिक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद म्यूजिक के ऑप्शन में जाना है, फिर आपको प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूँगा। तो उस वाले वीडियो को आपको सिंपली आपको ऑडियो के ऊपर कन्वर्ट कर देना है। तो मैं ऑडियो के ऊपर कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे ऑडियो के ऊपर कन्वर्ट करता हूँ तो सिंपली देख सकते हो, तो चूज के ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली आपको जो अपना जो म्यूजिक है उसको ऐड कर देना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि राइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको म्यूजिक के ऑप्शन को और एक बार क्लिक करके आपको यहाँ पर देख सकते हो, तो बीट मार्क, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो म्यूजिक है उसके ऊपर पहले सुन लेके आपको अपना जो बीट मार्क आपको ऐड कर देना है। तो मैं जल्दी से बीट मार्क को ऐड कर देता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। बीट मार्क को ऐड करने के बाद सिंपली आप जो फर्स्ट वाला बीट मार्क है उसके ऊपर चला है, फिर आप चले जाने के बाद फिर जो फोटोज जो वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर स्प्लिट कर देना है। उसके बाद सेकंड बिट के ऊपर चले आना है, फिर यहाँ पर आपको अपना जो बिट मार्क के हिसाब से एडजस्ट करके आपको यहाँ पर और कट लगा देना है। फिर आपको इस वाला बिट मार्क आना है, फिर यहाँ पर आपको कट लगा देना है। फिर यहाँ पर भी आपको आपको ऐसे करके आपको सभी बिट के ऊपर लेकर जाकर आपको सबको कट लगा देना है। तो कुछ इस टाइप से आपको सभी जो बिट मार्क के ऊपर ले जाकर के आपको सिंपली से आपको यहाँ पर आपको कट लगा दे ही जाना है। तो मैं यहाँ पर सारे जो है तो वहाँ पर आपको स्प्लिट कर देता हूँ। वाटर मार्क है उसको सिंपली क्लिक करके आपको डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद कुछ इस टाइप पिंच करके आपको जो जो यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस टाइप से आपको जो फर्स्ट जो लेयर होगा तो उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप साइड में स्क्रॉल करना, और जहाँ पर आपको जो देख सकते हो स्प्लिट वाला आइकन यहाँ पर शो होने वाला, तो जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा साइड में लेता हूँ तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर ले आता हूँ तो यहाँ पर ऑन होता है, तो वहाँ पर आपको ले जाकर आपको यहाँ पर स्प्लिट कर देना है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको स्प्लिट करते जाना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हाँ कुछ इस टाइप से यहाँ पर स्प्लिट करते जाना है। तो करीब इतना कर देता हूँ, तो मैं सारे में अप्लाई कर देता हूँ, आप भी कर देना। फर्स्ट लेयर को सबको एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको सेकेंड लेयर के फोन चलाना, फिर यहाँ पर भी आपको सेम ही आपको अप्लाई कर देना है। तो कुछ इस टाइप से आपको सभी जो अपने आप जैसे फर्स्ट लेयर किया तो उस टाइप से आपको सेकेंड लेयर के ऊपर भी आपको स्प्लिट करते जाना है। फिर आपको फर्स्ट जो लेयर है उसके ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ पर फिल्टर को ऐड कर देना है। फिल्टर तो यहाँ पर ऐड करना है, सिंपली आपको यहाँ पर चले जाना है अपना जो फिल्म का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर आपको FP7 के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको सेकंड जो लेयर है उसके ऊपर क्लिक इसको छोड़ देना है। फिर आपको जो और एक को क्लिक करके आपको यहाँ पर फिल्टर को ऐड कर देना है। तो मैं फिल्म वाला फिल्टर सिंपली उसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप फिल्म में चलाना है, फिर यहाँ पर आपको P7 को क्लिक करके और राइट कर्सर को बदल, तो यहाँ पर आपको और एक को छोड़ देना है, फिर और एक को क्लिक करना है, फिर एफएक्स पर जाना, फिर एफएक्स में यहाँ पर आपको फिल्टर पर जाना है। तो यहाँ पर ऐसे करके आपको कुछ इस टाइप से आपको फिल्म जो फिल्टर यहाँ पर जले जाकर आपको P7 के ऊपर क्लिक कर देना है। कुछ इस टाइप से आपको जो सारे जो है यहाँ पर एक छोड़ के फिर सेकेंड वाला कुछ इस टाइप से आपको जो फर्स्ट जो बीट है यहाँ तक आपको सेम अप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर सभी को सबसे पहले अप्लाई कर देना है। आपको फर्स्ट के ऊपर चलाना, फिर यहाँ पर आपको जो सेकंड वाला देख सकते हो, तो यहाँ से आपको जूम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको जूम इन के ऊपर क्लिक करना है,
फिर यहाँ पर एक छोड़ देना, फिर सेकंड पर चले आना, फिर यहाँ पर जूम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको जूम के ऑप्शन के ऊपर राइट के ऊपर क्लिक करना, फिर आपको एक छोड़ देना है, फिर आपको सेकंड में चलाना, फिर यहाँ पर जूम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली जूम इन इफेक्ट को आपको ऐड करना है। तो इस तरह से आपको जो फर्स्ट वाला बिट है वहाँ तक आपको सारे अप्लाई करते जाना है। जैसे ही सेकंड बिट मार्क लेयर का ऊपर स्टार्ट होगा तो सिंपली आपको फर्स्ट को छोड़ देना है, फिर सेकंड लेयर के ऊपर चले आना है, फिर यहाँ पर देख सकते हो फ्लिप फ्लिप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फिर फ्लिप कर देना है, फिर आपको जो है ना एक को छोड़ देना है, फिर और को जाकर फ्लिप कर देना है, फिर इसको छोड़ देना है, फिर इसको ऐसे करके आपको फ्लिप कर देना है। तो ऐसे करके आपको इस बार भी इसको भी फ्लिप कर देना है, फिर इसको छोड़ के यहाँ पर आपको फ्लिप कर देना है, इसको छोड़ देना है, फिर इसको भी फ्लिप कर देना है, फिर इसको छोड़ देना है, फिर इसको फ्लिप करके आपको यहाँ तक आपको छोड़ देना है। तो करीब इतना करने फर्स्ट एंड सेकेंड बिट को करने के बाद सिंपली आपको इस वाला बिट मार्क जो लेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर एपेक्स पर चले आना है। एपेक्स पर चले आने के बाद सिंपली आपको जो जिटल का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके आप एडजस्ट कर देना है सही से, उसके बाद राइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर साइड में स्क्रॉल कर जूम के ऑप्शन पर चलाना है, फिर आपको जूम आउट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद राइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको सेकंड लेयर के ऊपर चले आना है, फिर आपको जूम के ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको जूम इन के ऊपर इस बार सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद आपको साइड में स्क्रॉल करके आपको जो एफएक्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको जिटल जो है तो उसके ऊपर क्लिक करके आपको फिर से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है कुछ इस टाइप से, उसका राइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको सेकंड और एक लेयर के ऊपर चलाना है, फिर जूम के ऑप्शन के ऊपर जाना है और इस बार आपको मूव लेफ्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर राइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको साइड में स्क्रॉल करके आपको एफएक्स पर चलाना है, एफएक्स पर चलाने के बाद सिंपली आपको इस वाला जो इफेक्ट को फिर से यहाँ पर आपको ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद सिंपली और एक बार इसको ऊपर चलाना है, फिर यहाँ पर एफएक्स पर आना है, फिर इस पर आपको साइड में स्क्रॉल करके कुछ इस टाइप से आपको कुछ इस टाइप से इसको भी इफेक्ट्स को लगा देना है, फिर जूम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस पर आपको मूव राइट के ऊपर क्लिक कर देना है, राइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर इसके ऊपर आना है, फिर जूम के ऑप्शन को जाना है, फिर यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप से मूव यहाँ पर मूव अप के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर राइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कुछ इस टाइप से आपको एफएक्स को फिर से सेम अप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर हमें अप्लाई कर देना है, फिर राइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर कुछ इस टाइप से इसके ऊपर भी जाना है, फिर एफएक्स पर जाना है, फिर कुछ सभी में सिर्फ इस वाला एफएक्स के ऊपर भी क्लिक कर देना है, फिर जूम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और इस टाइप से आपको मूव डाउन के ऑप्शन ऊपर क्लिक कर देना है, फिर इसमें भी सेम ही अप्लाई कर देना है, फिर इसमें आपको मूव लेफ्ट कर देना है, फिर राइट का ऑप्शन क्लिक कर देना है, फिर एफएक्स पे चले आना है, करीब एफएक्स पे चले आना है, फिर सेम अप्लाई करते हैं आपको इस वाला एफएक्स को ही ऐड कर देना है, तो इस बार लास्ट को भी चले आना है, फिर यहाँ पर फिर से एफएक्स पे जाना है, और इस बार आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर इस वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके राइट का ऑप्शन ऊपर क्लिक कर देना है, ऐसे करके आपको जूम इन के जाना है, फिर यहाँ पर मूव राइट का ऑप्शन ऊपर कर देना, इतना कर देने वाला आपका वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा, रेडी होने के बाद सिंपली आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आपको क्वालिटी को सेट करके आपको सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना है, तो मिलता रहेगा वीडियो में, तब तक के लिए बाय।